स्क्रीन शो हो रहा है सभी को? दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड. स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर. ओके, तो हम आज बात करेंगे फैलेसी के बारे में. ठीक है, फैलेसी हमारा जो है आपका नया सिलोजिज्म हो गया था. तो नए सिलोजिज्म से किसी का क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया कि हाँ यहाँ से समझ में नहीं आया कैसा क्वेश्चन आता है. आप सभी ने देखा है कैसा क्वेश्चन बनता है उनका. आज जो बात करेंगे आपका फैलेसी के बारे में कि फैलेसी होता क्या है, जो व्हाट इज फैलेसी है ना. तो सबसे पहले फैलेसी क्या होता है, आप सभी को पता है कि फैलेसी मतलब क्या होता है? भ्रम. पीछे हम जो होता है भ्रम में रहना, भ्रांति में. पता है ना फैलेसी क्या होता है? आप लॉजिकल रीजनिंग छोड़ दो, कि लॉजिकल रीजनिंग के मीनिंग के बाद में छोड़ दो, आप ऐसे क्या जानते हो बोलचाल के, आप जब बोलचाल के भाषा में आप फैलेसी मतलब क्या जानते हो बताओ? क्या जानते हो बोलचाल भाषा में फैलेसी मतलब? भ्रम जानते हो ना, सर? कि भ्रम. गलत समझ लेना किसी चीज को. हाँ, गलत या कुछ भी समझ लेना कि ठीक है, उस व्यक्ति के प्रति थोड़ा क्या अलग ही नजर लाना, खराब नजर आना. ठीक है, तो उसको हम फैलेसी कहते हैं. फैलेसी मतलब क्या? भ्रम. भ्रम या जिसको हम कहते हैं भ्रम, उसके बाद हेतुआ आवास, उसका तर्क दोष, भ्रांति, बहुत सारे नाम होते हैं इसका. तो फैलेसी का अर्थ होता है भ्रम. भ्रम जो होता है आपका, भ्रम होता है किसी का, हेतुआ आभास, भ्रांति और तर्क दोष. फैलेसी को हम क्या कहते हैं? फैलेसी को और एक नाम भी कहा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हेतुआ आभास. क्या कहते हैं? हेतुआ आभास. ठीक है, हेतुआ आभास, इसको आप याद रखना. हेतुआ आभास हम कहाँ पर करेंगे? जो इंडियन लॉजिक होता है उसमें हम हेतुआ आभास कहते हैं, जो वेस्टर्न लॉजिक होता है उसमें हम फैलेसी की बात करते हैं. तो फैलेसी क्या होता है? कि फैलेसी मतलब होता है एक आर्गुमेंट जो इनवैलिड होता है, बात है पता नहीं चल रहा कि आर्गुमेंट जो होता है वो इनवैलिड होता है. फैलेसी का मतलब होता है कि एक ऐसा आर्गुमेंट जो इनवैलिड है, बट है हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमें लग रहा है सीम वैलिड, कि थोड़ा हमें लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो जो आर्गुमेंट है वो क्या है, बिल्कुल सही है, बट एक्चुअली में क्या है, इनवैलिड है. मतलब क्या हो गया कि आपको लग रहा है कि इनवैलिड है आर्गुमेंट, जो इनवैलिड है, लेकिन आप क्या कह रहे हो, आप भ्रम में जी रहे हो. आप हेतु मतलब क्या है? हेतु का आभास हो रहा है आपका. आप भ्रम में जी रहे हो कि आपको लग रहा है कि नहीं ये वैलिड है. वो क्या होता है आपका? आपको लग रहा है कि वो क्या है, वैलिड है. ऐसा जो होता है आर्गुमेंट, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फैलेसी कहते हैं. तो वैलिड नहीं, एक्चुअली क्या है, एक्चुअली वो इनवैलिड होता है. वो सीम वैलिड होता है कि आपको लग रहा है कि वो वैलिड है, एक्चुअली वो क्या है, इनवैलिड है. जहां पर आपका हेतु का आभास हो रहा है, जहां पर आपका हेतु का आभास हो रहा है, भ्रम का आभास हो रहा है, तर्क दोष का आभास हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? फैलेसी कहते हैं. ठीक है, समझ में आ गया फैलेसी होता क्या है? यस और नो? यस सर. यस सर. आगे बढ़ते हैं कि फैलेसी क्या होता है. ये फैलेसी आपका तीन प्रकार का होता है. तीन प्रकार का फैलेसी होता है, जो आपका क्या क्या होता है. एक पहला आपका होता है वेस्टर्न फैलेसी. क्या होता है? पहला आपका होता है वेस्टर्न फैलेसी. क्या है? वेस्टर्न, जो आप सभी को पता है हमारा जो फिलोसॉफी है दो पार्ट से बटा हुआ है. एक आपका इंडियन फिलोसॉफी, एक आपका होता है वेस्टर्न फिलोसॉफी. तो ये जो आपका है फैलेसी क्या होता है, आपका तीन होता है. एक होता है आपका वेस्टर्न, जो आपका जो ब्रिटिश वगैरह था, प्लेटो वगैरह जैसे उन्होंने दिया था, जो वेस्टर्न फैलेसी. उसके बाद आपका दूसरा आपका है इंडियन फैलेसी, जिसको हम क्या कहते हैं,
हितवा आभास, लास्ट आपका आता है फोर टर्म ऑफ फिलोसॉफी, फोर टर्म ऑफ फैलेसी। फोर्थ टर्म क्या होता है उसको हम आगे जानेंगे, जो आपने पढ़ा है मिडिल माइनर मेजर वो सो आपका जो होता है वो सारे आपका क्या होता है उसका ही फैलेसी होता है। वो आपका क्या होता है, ये तीन प्रकार का फैलेसी होता है, तो आप याद रखना क्या क्या होता है, वेस्टर्न फैलेसी, इंडियन फैलेसी या हितवा आभास, और लास्ट आपका फोर्थ टर्म ऑफ फैलेसी। ठीक है, अब बात करते हैं वेस्टर्न फैलेसी का, जिसमें आपका पहला आपका आता है कौन सा, वेस्टर्न फैलेसी का पहला आपका आता है कि फर्मल फैलेसी। कि फैलेसी मतलब क्या होता है आपने पता है आपको, देयर आर टू टाइप ऑफ फैलेसी, दो टाइप का फैलेसी होता है हमारा, एक होता है फॉर्मल एक होता है इनफॉर्मल फैलेसी। फैलेसी का दो होता है, वेस्टर्न फैलेसी दो होता है, एक आपका फॉर्मल ये दूसरा होता है इनफॉर्मल फैलेसी। ठीक है, अब बात है फॉर्मल फैलेसी क्या होता है, आप बताओ मुझे, आप किसी को याद है, आप किसी को पता है कि फॉर्मल फैलेसी होता क्या है, नाम सुन के क्या पता चल रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, कुछ लग रहा है आप सभी को तो बता सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर है कि फॉर्मल फैलेसी रिफर्स टू द आर्गुमेंट दैट हैव एन इनवैलिड स्ट्रक्चर और फॉर्म दैट्स कॉल्ड इज फॉर्मल फैलेसी। रुकना थोड़ा, रुकना रुकना एक मिनट रुकना। हेलो, हाँ जी सर, हेलो आवाज आ रही है सर? आ रही है सर। अब बात करते हैं फॉर्मल फैलेसी के, एक वकील है यहाँ पर जो बहुत दूर बैठा हुआ है, मैं जब भी क्लास शुरू करता हूँ तभी वो शुरू हो जाते हैं वो भी एक साथ। चलो, फॉर्मल फैलेसी क्या होता है कि फॉर्मल फैलेसी रेफर्स टू आर्गुमेंट दैट हैव इनवैलिड स्ट्रक्चर और फॉर्म That call is formal fallacy. Actually, formal fallacy क्या होता है? आपको नाम सुन के पता चल रहा है कि formal मतलब क्या होता है? कि formal fallacy एक ऐसा fallacy होता है जिसमें क्या होता है कि फॉर्म के गड़बड़ी के कारण या फॉर्म के स्ट्रक्चर के कारण, यहाँ पर दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पर है कि argument that have invalid structure of form, कि फॉर्म के गड़बड़ी के कारण जो फैलेसी होता है उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल फैलेसी। सर मतलब क्या होता है फॉर्म का मतलब, लेकिन समझना, हाँ फॉर्म का मतलब होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि गड़बड़ी के कारण हो रहा है, कि आप जो कुछ भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो तो गड़बड़ी के कारण जैसे जो फैलेसी होता है उसको हम फॉर्मल फैलेसी कहते हैं। बताओ आप कैसे पहचानेंगे, जब आपको आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो हमने कुछ आर्गुमेंट आपने लिया है वो फॉर्म में स्ट्रक्चर गड़बड़ी है, वैलिड है, इनवैलिड है, आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको वेन डायग्राम का जरूरत पड़ेगा। ठीक है,
तो वैन डायग्राम से हम क्या कर सकते हैं, तो वैन डायग्राम के हम साथ से हम क्या कर सकते हैं, जो आपका जो फॉर्म है उसको हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर गड़बड़ी है, स्ट्रक्चर में सही है गलत है, उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अब आप उदाहरण दिख रहे हैं आपको कि ऑल यूरोपियन आर क्रिश्चियन, ऑल रशियन आर क्रिश्चियन, ऑल रशियन आर यूरोपियन, दिख रहा है ना। जी सर। अब इसको हम क्या बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। आप सभी को वेन डायग्राम बनाना आता है ना, यस सर नो? यस सर। कल एक क्वेश्चन भी था आपका वेन डायग्राम का, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर देखो कि ऑल यूरोपियन आर क्रिश्चियन, तो कैसे हो जाएगा इसका, तो ये आपका एक गोला ले लेते हैं, ये आपका पूरा किसका हो गया, ये किसका हो गया, क्रिश्चियन, इसका अंदर कौन आ जाएगा, ऑल यूरोपियंस, यूरोप आ जाएगा, यूरोप का हम यहाँ पर ले लेते हैं भाई, यूरोप तुम यहाँ पर आ जाओ, इंग्लैंड हो यहाँ पर आ जाओ, चलो इंग्लैंड या यहाँ पर आ गया इंग्लैंड। अब इंग्लैंड के बाद कौन है, अब क्या है कि द ऑल राष्ट्र क्रिश्चियन, सारे जो राष्ट्र है क्रिश्चियन है, चलो भी बना लेते हैं, तो राष्ट्रियन कहाँ बन जाएगा, इसका अंदर ही बनेगा ना, इसका अंदर बनेगा बाहर बनेगा, फिर बताओ, अंदर ही बनेगा ना सर, मैं तो आपके पूछ रहा हूँ कि अंदर बनेगा बाहर बनेगा बताओ, क्योंकि आप तो ऑलरेडी करे हैं, आप कह रहे हैं कि और राशन है यूरोप। अब आप देखो यहाँ पर कि ऑल यूरोपियन आर क्रिश्चियन, ऑल राशन आर क्रिश्चियन, और राशन यूरोपियन, ऐसे आपको देख कर तो लग रहा है स्ट्रक्चर सही है, क्योंकि आर्गुमेंट ऐसे ही बनता है, दो प्रीमाइस होता है, दो प्रीमाइस से कंक्लूजन निकल कर आता है, सही होता है, यस सर नो है या नहीं, यस सर। लेकिन यहाँ पर देखो गड़बड़ी हो चुका है, इसका स्ट्रक्चर तो गड़बड़ी हो चुका है, तो फॉर्म में गड़बड़ी है, देखो ये क्रिश्चियन हो गया, यूरोप हो गया, ठीक है, सारे क्रिश्चियन यूरोप हो सकता है, यस सर नो, हो सकता है ना, हो सकता है, सारे राशियन जो है वो भी क्रिश्चियन हो सकता है, ठीक है, वो भी मान लिया कि सारे जो राशियन है वो भी क्रिश्चियन है, लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि सारे राशियन जो है यूरोपियन यूरोपियन है, हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच तो आपस में कोई संबंध नहीं है, दूर दूर से, हम कह सकते हैं, डाउटफुल है, नहीं कह सकते है? तो आपको कैसे पता चला, पहले आपको नहीं पता चल रहा था, स्ट्रक्चर देख के, स्ट्रक्चर को देख के डायग्राम बनाएंगे तब आपको पता चलेगा जो ये क्या है, वैलिड है या इनवैलिड है, तो आपको पता चलेगा, ठीक है, तो आपको कैसे आर्गुमेंट को वैलिड हो सकता है या इनवैलिड हो सकता है, तो आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो आपको अच्छे से पता हो जाएगा कि ये जो वेन डायग्राम है, ये जो आर्गुमेंट है सही या गलत है। तो फॉर्मल फैलेसी क्या होता है, एक सैंपल लैंग्वेज बता रहा हूं मैं, इसको याद रखना कि फॉर्मल फैलेसी वो फैलेसी है, क्या है कि फॉर्मल में जो वो फैलेसी है जो क्या है, जो फॉर्म के गड़बड़ी के कारण होते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल कि फॉर्म के गड़बड़ी के कारण होता है, फॉर्म मतलब लिखने का तरीका, स्ट्रक्चर व सेंटेंस के गड़बड़ी के कारण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फॉर्मल फैलेसी कहते हैं, समझ में आया फॉर्मल फैलेसी क्या होता है, यस सर नो, यस सर। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इनफॉर्मल फैलेसी, कहते हैं इनफॉर्मल फैलेसी, ये फैलेसी क्या है, इसमें देखो इसमें बहुत सारे अच्छे से लिखा हुआ है कि व्हाइल इनफॉर्मल फैलेसी रिफर्स टू आर्गुमेंट दैट हैव इनकरेक्ट इनरिलेवेंट प्रीमाइस,
ये क्या कह रहा है, वो तो था फॉर्मरी की जो कि फॉर्म के गड़बड़ी कारण होता है, लेकिन इनफॉर्मल जो फैलेसी होता है इसमें क्या होता है, इसमें कोई स्ट्रक्चर का कोई मिस्टेक नहीं होता है, ठीक है, लॉजिकली फॉर्म का कोई मिस्टेक नहीं होता है। बहुत नॉइस आ रहा है ना? नहीं सर, ठीक है ठीक है सर, इतना पता नहीं चल रहा, मुझे लग रहा है कि बहुत नॉइस आ रहा है। नो सर, नो, इतना नहीं आ रहा। फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी कि एक ऐसा फैलेसी जिसका कोई स्ट्रक्चर और मिस्टेक नहीं होता है, लॉजिकली फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल फैलेसी। ठीक है सॉरी, तो क्या है यहाँ इनफॉर्म फैलेसी, क्या होता है इनफॉर्म फैलेसी कि जहाँ पर स्ट्रक्चर को कोई मिस्टेक नहीं होता है, लॉजिकली फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल फैलेसी कहते हैं। आधा यार जब मैं पढ़ाता तभी शुरू हो जाते, तो एग्जाम्पल देख लो, इक्विवोकेशन एंड एम्बिग्युटी, क्या इक्विवोकेशन एंड एम्बिग्युटी, इसका मतलब पता है किसी को, इक्विवोकेशन एंड एम्बिग्युटी मतलब क्या होता है पता है किसी को? ठीक है मैं बता रहा हूँ, इक्विवोकेशन एंड एम्बिग्युटी के मतलब होता है दोहरा मीनिंग, शब्द का दोहरा मीनिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो फैलेसी है इसमें कोई मिस्टेक स्ट्रक्चर को गलती नहीं होता है, लॉजिकली जो फॉर्म में कोई मिस्टेक भी नहीं होता है इसका, इसमें क्या होता है कि शब्द का दोहरा मीनिंग होता है, ठीक है, इसमें क्या है शब्द का दोहरा मीनिंग होता है, ठीक है, इसके कारण जो फैलेसी होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल फैलेसी कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देख लो, ए फेदर इज लाइट, ए फेदर इज लाइट, लाइट थिंग्स कैन नॉट बी डार्क, देयरफॉर ए फेदर कैन नॉट बी डार्क। यहाँ पर देखना कि फेदर इज लाइट, लाइट थिंग्स कैन नॉट बी डार्क, देयरफॉर ए फेदर कैन नॉट बी डार्क। यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है कि हाँ भाई कुछ अलग कुछ दिख रहा है, दिख रहा है कुछ, यस और नो? दिख रहा है सर, वो पंख को सर लाइट की मतलब बात कर रहे हैं, शायद वो हल्का वाला लाइट कहना चाह रहे हैं यहाँ से तो। हाँ, यहाँ पर देखो शब्द का दोहरा मीनिंग, यहाँ पर लाइट का अर्थ देखो, यहाँ पर लाइट का अर्थ देखो, यहाँ पर जो लाइट है इसको वजन के कह रहा है, क्या कह रहा है, वजन, वेट, वजन, और यहाँ पर जो है वो क्या कह रहा है, रंग के बारे में, रंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक फेदर इज लाइट, एक फेदर क्या है, फेदर जो पंख जो होता है, एक पंख है, ये पंख भजन है, भारी है, और लाइट थिंग्स कैन नॉट बी डार्क, जो क्या है, जो कुछ भी जो रंग होता है वो क्या होता है, गाढ़ा नहीं होता है, फिर थोड़ा लाइट क्या होता है, कुछ थोड़ा रंग गाढ़ा नहीं होता है, देयरफॉर ये फेदर कैन नॉट बी डार्क।
देयरफॉर पंख क्या होता है, पंख जो होता है गाढ़ा नहीं होता है। तो क्या कह रहा है, देखो स्ट्रक्चर सही कह रहा है लेकिन मीनिंग इसका क्या है, दोहरा है। यस सर नो, देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर और जो है यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं होता है। लॉजिकली देखो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसका फॉर्म है, कोई मिस्टेक नहीं है। यस सर नो, लेकिन यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर हमने देख रहा था कि हाँ लॉजिकली यहाँ पर क्या था, स्ट्रक्चर गड़बड़ हो रहा था, फॉर्म में गड़बड़ी हो रहा था। लेकिन यहाँ पर देखो ये प्रॉपर वो बना है कि फेदर इज लाइट, लाइटिंग ड्रा के फेदर इज कैन नॉट बी डार्क, ऐसा सही बन रहा है। लेकिन इसका जो मीनिंग बता रहे उसका जो दोहरा मीनिंग है वो क्या है, वो यहाँ पर सही नहीं बैठ रहा है। दोहरा मीनिंग बता रहा है, ऐसा जो फैलेसी होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल फैलेसी। समझ में आ गया, ए फेदर इज लाइट, लाइट थिंग्स कैन नॉट बी डार्क, और देयरफॉर ए फेदर कैन नॉट बी डार्क। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, और बहुत सारे फैलेसी है आते हैं, इनफॉर्मल फैलेसी बहुत सारे हैं, अब आते उसका भी पाठ पढ़ेंगे। अब आते हैं फैलेसी ऑफ डिविजन। फैलेसी ऑफ डिविजन क्या होता है, फैलेसी ऑफ डिविजन बताओ, फैलेसी ऑफ डिविजन क्या होता है, बताओ किसी को पता है कि फैलेसी ऑफ डिविजन क्या होता है? आपने नाम तो सुना है कभी, नाम तो सुना है, पार्ट्स होंगे सर उसमें, पार्ट को देखकर होल के बारे में पता लगाना। उल्टा बोल दिया आपने, होल से लेकर पार्ट तक। ओके सर, ठीक है। अब आता है कि फैलेसी ऑफ डिविजन क्या होता है। भाई यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना इसको मत देखना, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझना, तो आपका जो भी फैलेसी से कोर्सिन आएगा आप कर सकते हो। अब इसमें रट्टा आपने बैठ जाओगे पूरे स्लाइड को, तो भाई सॉरी, मुझे बस बताना कि सर हमारा जो कोर्सिन है गलत हो चुका है, जो समझा रहा हूँ उसको समझना, ठीक है। पहले फैलेसी ऑफ डिविजन क्या होता है कि इन्फेरेंस समथिंग इज ट्रू ऑफ वन और मोर ऑफ देम पार्ट ऑफ फ्रॉम द फैक्ट इज ट्रू एंड होल। मैंने बस यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है आपको बताने के लिए क्या क्या होता है, एक्चुअली क्या है मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। इसीलिए मैं ज्यादा कुछ लिखता नहीं हूँ समझाने के लिए। फैलेसी या डिविजन का मतलब होता है कि जब जो बात होल के लिए क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है, कि जब जो बात होल के लिए ट्रू होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अप्लाई कर देते हैं पार्ट के ऊपर, कि जब जो बात होल के लिए ट्रू होते हैं, ठीक है, ट्रू होते हैं, बा होल के जो फीचर होता है क्रस्टिक होते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक पार्ट के ऊपर दर्शाते हैं, पार्ट के ऊपर क्या करता है अप्लाई करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फैलेसी ऑफ डिविजन कहते हैं। समझ में आ गया मैंने क्या बोला। समझ में आया या नहीं आया बताओ, नहीं तो मैं फिर समझाऊंगा। हाँ जी सर समझ। हाँ सर, कि जो बात होल के लिए सही है, सही होता है, ठीक है, लेकिन होल जो होता है उसको हम क्या करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, ये पार्ट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब हम होल को जो है एक पार्ट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, होल मतलब क्या, होल सम, ऑल मैन आर गुड, उसके बाद हमने बोल दिया
एक भी मैन अच्छा नहीं है, एक पार्ट के बोल दिया कि सारे मैन अच्छा है तो मनोज भी अच्छा होगा, कोई भी अच्छा होगा, ऐसा हो भी नहीं भी हो सकता है कि सारे मैन अच्छे हैं तो एक भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो होल के लेके पार्ट तक दर्शाना उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फैलेसी ऑफ डिविजन कह रहे हैं। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या कह रहा है, द ओशन व्हेन सीन होल इज ब्लू इज कलर। तो समंदर होता है वो सारे क्या होता है, पूरा क्या होता है, नीला होता है। यस सर। देन ईच ड्रॉप वाटर इंडिविजुअल मस्ट आल्सो बी ब्लू कलर। सारे जो क्या है ओशन ब्लू है, वहां का एक बूंद जो है वाटर जो होगा ओशन का, वो तो भी ब्लू होगा। ये सर नो? यस सर। समझ में आ गया? बताओ किसको अभी तक समझ में नहीं आया, बताओ उसको पीटूंगा मैं अभी, आ जाओ जिसका अभी तक समझ आ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन क्या इसके उल्टा है, उल्टा आप ही बता दो क्या होता है फिर, उल्टा क्या होगा इसका उल्टा बता दो आप। अभी डिवीजन से होल का पता चल जाएगा, पार्ट से होल पे सर। हाँ कि पार्ट से होल तक बस, वो बहुत आसान है कि हम पहले क्या पढ़े थे उसे डिवीजन में, होल से लेके पार्ट तक, पार्ट से लेके होल तक, बस इसको याद रखना। इसको आप ये जो आपके दोनों वर्ड है इसको याद रखना, तो दो आपका फैलेसी आपको समझ में आ गया कि फैलेसी डिवीजन क्या होता है भाई, होल से लेके पार्ट तक जो होते हो फैलेसी डिवीजन होता है, आप पार्ट से होल से बात करते हैं उसको क्या होता है कंपोजिशन होता है। तो कितना आसान है समझने के लिए, नहीं तो आप ये सब जाओ कि आप एक बुक्स ले गई जाकर रट्टा मारोगे फैलेसी डिवीजन ये होता है वगैरह वगैरह वगैरह, बस दिमाग भी चला गया, जितना अभी नहीं चाहिए तो उतना ही पढ़ लिया बस, तब भी याद नहीं आ रहा है कि यार डिवीजन होता क्या यार, ऐसा मत करो ठीक है, थोड़ा समझ के बोलो। ये कंपोजिशन गोज फॉर द पार्ट ऑफ होल, इसका उल्टा क्या होता है कंपोजिशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, किसी पार्ट के जो फीचर होता है किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, किसी व्यक्ति के जो फीचर्स होता है विशेषता होता है उसके आधार पर उससे जो संपूर्ण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, जांच कर लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फैलेसी ऑफ कंपोजिशन कहते हैं। मतलब कि कोई व्यक्ति है उस व्यक्ति की और जांच करके आपने पूरे परिवार को बोल दिया, जैसे मान लो कोई लड़का है व कोई ऐसा है जो कोई व्यक्ति वर्ग है, लड़का लगे नहीं लूंगा, कोई व्यक्ति है जो बहुत खराब है, कोई व्यक्ति है जो मान लो कि कोई दोस्त है आपका, कोई दोस्त है मान लो कि कोई दोस्त है आपका क्यों बहुत चलाक है, ठीक है कोई दोस्त है क्योंकि बहुत ही चलाक है वो, मतलब कि बहुत क्लेवर है, तो उसकी तरह क्लेवर होता ही नहीं है, तो आपको लगता है कि भाई ये इतना चलाक है तो हो सकता है कि सारे इसका जो परिवार है सारे क्या है, सारे भी क्लेवर होगा चलाक होगा, ऐसा भी हो भी तो नहीं हो सकता है। यस सर नो? Yes, तो आपने क्या करा, आपने पार्ट को देखकर होल को समझ लिया, कि आपने पार्ट को देखा आपने पूरे को मान लिया, अरे ठीक है। जैसे एक मान लो जे कांग्रेस वाले ने घोटाला कर दिया, तो एक ने घोटाला किया तो सारे के ऊपर इंजाम लग गया, तो एक बुरा करता है तो सारे पर लगता है, और एक अच्छा करता है तो सारे क्रेडिट लेने भगा आते हैं कि भाई मैंने करा है मैंने करा है। तो जो होल से पार्ट वो आपका ले लो डिविजन, और पार्ट से होल कि एक कुछ करता है तो सारे क्रेडिट लेते हैं, तो ऐसा आपको जो होता है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, ऐसे मत बताना कि मैं बीजेपी वाले हूँ, ठीक है मैं बस यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी नहीं हूँ मैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं हूँ मैं, बस उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे मत सोचना कि सर तो मैं बीजेपी है, ऐसा नहीं हूँ मैं, ठीक है।
जी सर। अच्छा समझ में आ रहा है ना? हाँ जी सर। जी सर। बोरिंग तो नहीं लग रहा है तो बता देना, क्लास स्टॉप कर दूंगा फिर। नहीं सर। अब आते हैं एक और भी आसान, एक फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। द फैलेसी इज टाइप ऑफ इनफॉर्मल फैलेसी, वो एक ही है आप सभी के पता है, सारे क्या है, इनफॉर्मल फैलेसी है। एंड इट ऑल्सो नोन एज द फैलेसी ऑफ जनरल रूल्स, ये क्या है, इसका एक खुद का एक रूल्स होता है। एंड सो पिक द जनरलाइजेशन, और देख लो कि एक्सीडेंट फैलेसी अकर्स व्हेन द समवन अप्लाइज अ जनरल रूल ए टू कॉज टू ए केस इन व्हिच द रूल इज इन एप्लीकेबल। ठीक है, आप कहेंगे सर इतना इंग्लिश छोड़ो, मुद्दे में आओ, क्या है इसका मतलब। पहले से वैसे मतलब क्या होता है आप ये बता दो पहले, तो उसको बता दूंगा बाद में मैं, क्योंकि मैं भी देखूँ ना आप कितने एक्टिव हो। बताओ मुझे पहले से एक्सीडेंट क्या है, इसका मतलब क्या होता है, बस ये बता दो, इसका मीनिंग बता दो, बस इसका मीनिंग बता दो कि पहले से एक्सीडेंट क्या होता है। अरे बताओ जो भी आता है मैंने बता दो, मैं किसी को डांटता नहीं होता। सर जैसे भी कोई जर्नल कोई भी रूल है, हम उसको अप्लाई करें और वो अप्लाई ना हो। हाँ हो सकता है, नजदीक है, और कोई? अरे बोलो यार भाई, तोड़ दो ना। पहले से मतलब क्या होता है, भ्रम होता है, एक्सीडेंट मतलब क्या होता है, दुर्घटना। चलो हटा दो दुर्घटना के भ्रम, जब भ्रम में दुर्घटना होता है ना, भ्रम के कारण जो दुर्घटना होता है, जैसे कि मतलब एक अपवाद के आधार पर, अपवाद के आधार पर गड़बड़ी होना। ठीक है, अपवाद के आधार पर गड़बड़ी होना, उसको हम क्या कहते हैं, फैलेसी एक्सीडेंट। अपवाद के आधार पर जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या जनरली, यहाँ पर दिख रहा है ना कि जनरल रूल्स, जनरल रूल्स इसका मतलब क्या होता है कि जनरली जो बात सही है, कि जनरली जो बात सबके लिए सही है और सब पे भी लागू होता है, लेकिन उस पर भी कुछ क्या है, अपवाद है। क्या है, उसमें भी क्या है, कुछ अपवाद है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि क्या कह रहा है कि जनरली जो बात सबके लिए सही है और सब पे लागू भी होता है, हमारे ऊपर आप पे भी लागू होता है, मुझ पे भी लागू होता है, दुनिया की हर इंसान पे वो बात लागू होता है, लेकिन ऐसा कुछ है जो क्या है, वो अपवाद के आधार पर, वो क्या है, वो अपवाद है, उसको जो होता है, ऐसा जो होता है उसको हम कहते हैं फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो आप, तो आपको और भी समझ में आ जाएगा कि काटिंग पीपल विथ नाइफ इज क्राइम। जो व्यक्ति कि कोई व्यक्ति जो क्या करता है, किसी व्यक्ति को चाकू से काटना अपराध है, ये बात तो सभी के लिए सही है, ये सर नो, सभी के लागू है, ये सर नो, यस सर, आपके लिए, मेरे लिए, हर व्यक्ति के लिए लागू है। सार्जेंट काट द पीपल विथ नाइफ, सार्जेंट जो होता है वो क्या करता है, लोगों को छुरी से क्या करता है, चाकू से काटते हैं, इसीलिए सार्जन क्या है, एक क्रिमिनल है। क्या ये सही बात कह रहे हो? नो सर। नो सर। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुछ अपवाद है। यहाँ पर क्या कह रहा था कि जो बात हर व्यक्ति के लिए सही है उसमें भी क्या है, कुछ अपवाद है। हाँ एक तो बात सही है कि हम किसी को
चाकू से काट देते हैं तो वो क्या है, क्राइम है। लेकिन जो सार्जेंट होता है वो काटते हैं तो उसका कोई क्राइम नहीं होते हैं, क्योंकि उसका काम ही होता है क्या करना, क्या होता है काम उसका, सार्जेंट काम ही होता है कि वो उसको ऑपरेशन करना, कुछ काटे। काम करना, तो वो क्रिमिनल नहीं होता है। तो अपवाद के आधार पर कुछ कुछ अपवाद है, उसको हम क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट कहते हैं। समझ में आ गया, कितने देखो आसान है भाई, देखो कितने आसान है, बस आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बनता है आपका फैलेसी से, हर साल क्वेश्चन आता है, एक बार एक या दो क्वेश्चन आते ही है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा आप ये याद है, क्या क्या पढ़ा हमने बताओ, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी, हाँ और एक बताया डिवीजन टू होल एंड होल टू डिवीजन वाला, हाँ और अभी एक फेलिस का ऑफ डिविजन है, फेलिस ऑफ कंपोजिशन है, फेलिस ऑफ एक्सीडेंट। अभी यस सर। तक जो पाप जो हमने पढ़ा, अभी तक जो पाँच हमने जो पढ़ा अभी तक आपका फेलिस, इसमें से किसी का कोई डाउट है तो बता सकते हो, मैं 1 मिनट 2 मिनट के लिए टाइम देता हूँ सभी को, नहीं तो आगे बढ़ेंगे फिर। किसी को डाउट है, नो सर। नहीं है तो आगे बढ़ेंगे फिर। सर ये पांचवा एक्सीडेंट वाला जो था पहले, उसमें क्या टाइप भी होता है कोई? क्या, हाँ ये जो फैलेसी बताया है ना, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, इसका कोई टाइप हाँ भी है क्या? ओके, टाइम, टाइप टाइप अलग कोई भी है इसमें? नहीं, कुछ नहीं होता, ये एक ही होता है पहले ओके से सर। एक्सीडेंट, एक ही होता है, इसका कोई टाइप वगैरह नहीं है। बस आपको एक ही याद रखना है फैलेसी एक्सीडेंट में, कि कुछ ऐसा आपको बात कहेंगे जो अपवाद लगेगा आपको, कि सबके लिए लागू नहीं होगा, सबके लिए लागू होगा, लेकिन कोई ऐसे बात बताएंगे जो क्या होगा, आपको अपवाद लगेगा कि हाँ भाई को जो लग रहा है बात सही नहीं लग रहा है आपको, ऐसा कुछ आपको लगेगा। तो आपको समझ जाना है कि ये जो उदाहरण है आपका तो फैलेसी एक्सीडेंट होगा, तो आपका जो क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आपको एक उदाहरण दे देगा, तीन या चार ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे ऐसे के तीन, तो आपको बोल देगा कि भाई इन द फॉलोइंग द फैलेसी, कौन सा फैलेसी फॉलो होगा आपको बताना है, तो आप एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा फैलेसी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, तो मैं समझ लेता हूँ कि फैलेसी आपको समझ में आ चुका है अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, फिर आगे बढ़ते हैं और एक पढ़ेंगे उस वक्त खत्म करेंगे, बहुत सारे हैं, ठीक है। फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ये भी थोड़ा क्या है, आसानी है, मतलब थोड़ा क्या है, आसान है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि नाम पे देख रहे हो आप यहाँ पर लिखा है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। इसका और भी एक नाम होता है, इसको भी याद रखना, कभी कभी ए नहीं देता है भाई, कभी कभी ए नाम नहीं देके ए नाम दे देता है, प्लूरियम इंट्रोगेटियम, क्या नाम है इसको याद कर लो, प्लूरियम इंट्रोगोटियम गोटिनियम, ठीक है, इसको याद कर लेना, ठीक है, प्लूरियम इंट्रोगोटियम, इसका भी एक नाम होता है, कभी कभार आपका ये भी नाम आपको याद रखना होता है, तो इसको याद रख लेना। इट इज द कमिटेड समवन आस्क द क्वेश्चन दैट पर्पस समथिंग दैट हैज नॉट बीन प्रूवन एंड एक्सेप्टेड बाय द ऑल द पीपल इन्वॉल्व। देखो अब इसका जो है, इसका जो यहाँ पर जो वार दिया है, इसके लिए आप कुछ आपको दिख रहे कर रहे, हाँ भाई कुछ तो ऐसा कर रहा है, यहाँ पर एक बार आपको वार दिख रहा है इन्वॉल्व, दूसरा दिख रहा है प्रोवन, तीसरा आपको दिख रहा है कोमिटेड, और तीसरा आपको क्या बताऊं, आक्सा कोर्सेड, इन चार चीजों से आपको याद आ जाएगा कि क्या होता है, कि जो है फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो होता क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का मतलब होता है जहां पे इंट्रोगेशन आप करते हैं, कोई क्वेश्चन आप पूछते हैं, अब मान लो
मैं आपके कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ किसी को, मान लो मैं किसी को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पूनम जी का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, कि पूनम जी आप मुझे बताएं कि कुछ भी क्वेश्चन ले लो कि आपने होमवर्क क्यों नहीं करा, आपने होमवर्क क्यों नहीं करा, ठीक है। अब क्या करा, मैंने तो उनको क्वेश्चन डाल दिया, क्वेश्चन बोला, अब जो मुझे क्या कर रहा है वो, जो मुझे अब पूनम जी जो मुझे आंसर दे रहा है वो क्या कर रहा है, मुझे ऑलरेडी मुझे क्या डाल रहा है, मुझे उस क्वेश्चन में फंसा दे रहा है। मतलब क्या करा कि आपके क्वेश्चन में आप ही क्या कर रहा है, फंसा दे रहा है, ठीक है, ऑलरेडी आपको इसमें डाल दे रहा है क्वेश्चन में ही। आपको समझ में नहीं आया, मैं और समझा रहा हूँ अच्छे से, छोड़ो उसको। कि फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का मतलब होता है जहां पे इंट्रोगेशन हम करते हैं, किसी के आप इंट्रोगेशन करते हो, इंट्रोगेशन करते हैं हम, कोई भी क्वेश्चन आप पूछते हो और उसमें किसी स्टेटमेंट के स्टेटमेंट में आपको क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी डाल दे रहे हैं, ठीक है। सर ये एग्जांपल है ना, ये अच्छा है, एग्जांपल से पता चल जाएगा। हाँ एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, तो एग्जांपल यहाँ पर बाद में आएंगे, तो वो समझ लो पहले। तो क्या कह रहा है कि पहले क्या कह रहा है कि कोई आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और उसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप स्टेटमेंट में डाल दे रहे हो उसको, व्यक्ति को, ऑलरेडी आप उसी को स्टेटमेंट डाल दे रहे हो, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखो कि हैव यू स्टॉप बीटिंग योर वाइफ, कि तुमने अपने क्या बीबी को मारना छोड़ दिया, मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट डाला या नहीं डाला, बताओ, यस और नो, यस सर, अब बताओ, बोला नहीं, अब वो बोल तो देगा, मारता है। अब वो बोल दिया व्यक्ति की नहीं मैं नहीं मार दू, तो मतलब क्या हो गया, पहले आप उसको मारते थे, अब मान लो कि हैव यू स्टॉप बीटिंग योर वाइफ, तुमने क्या अपने बीबी को मारना छोड़ दिया है, अब वो बोला कि हाँ, तो मान लो क्या हो गया कि वो व्यक्ति मानते हैं कि हाँ पहले मैं अपने बीवी को मारता था, अब मान लो कि नहीं, तो पहले क्या करो, अब मान लो कि नहीं तो क्या करो, वो अभी भी मारते हैं, तो क्या करा, ऑलरेडी क्या कर रहा है, आपको स्टेटमेंट में डाल रहा, आइदर यस आइदर नो answer you would lead conclusion that person is better used beaten his wife is past, मतलब क्या कह रहा, आप yes भी कहेंगे तब भी आप फंसेंगे, no भी करेंगे तब भी आप फंस रहे statement में, आप conclusion में यही आ रहा है कि मतलब आप पहले अपने बीबी के ऊपर जुलुम कर रहे थे, मार रहे थे, नहीं तो आप मार रहे हो, तो क्या करा, एक complex question में डाल दिया, इसको हम क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका है। yes, आज के लिए इतना ही रखते हैं, किसी का क्वेश्चन है बता दो, क्योंकि आपका और भी क्लास है कौशल सर का, साहिब कौशल भाई का, वो भी क्लास लेंगे शायद, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है सर, टेक केयर एवरीवन, स्टॉप कर देता हूँ सर जी, बंद कर दीजिए क्वेश्चन सर, आप कंटिन्यू कीजिए फिर शायद, टेक केयर एवरीवन, हैव ए नाइस डे, जी सर आपको भी, यू टू सर, यस थैंक यू, वेलकम, बाय बाय, टेक केयर।